नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शिवसेना ने कहा, वीर सावरकर को मिले भारत रत्न। शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जाए। सोमवार को मोदी को लिखे एक पत्र में राउत ने सावरकर को हिंदू राष्ट्र का कट्टर समर्थक बताते हुए पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने वीर सावरकर को नकारा है। उन्होंने आगे लिखा है कि ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान द्वीप में स्थित जेल में भेज दिया। उन पर वहां जुल्म ढाए गए, बीमार होने पर इलाज तक नहीं कराया गया। बावजूद इसके वे दृढ़ व देशभक्त रहे। फेसबुक पर नहीं, फेस टू फेस मिले पीएम मोदी, महंत रघुमुनि ने कहा। नासिक कुंभ मेले में भाग ले रहे बड़ा अखाड़ा उदासीन अखाड़े के महंत रघुमुनि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वर्चुअल माध्यम से बातचीत करने की बजाय वे उनसे उनके स्थान पर आकर मिले। रघुमुनि ने कहा कि मोदी जी, फेस टू फेस मिलो, फेसबुक पे मत मिलो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तमाम धर्मों के आयोजनों में जाकर शिरकत करते हैं, लेकिन हिंदुओं के इतने बड़े उत्सव कुंभ में वे उपस्थित नहीं हुए। मुंबई में लोकल ट्रेन फिर पटरी से उतरी। मुंबई में अंधेरी और विले पार्ले स्टेशनों के बीच सुबह 11 बजे के आसपास एक लोकल ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दक्षिण मुंबई में चर्च गेट एवं विरार के बीच यातायात प्रभावित हो गया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शरद चंद्रायन ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेल बोरीवली से चर्च गेट की ओर जा रही थी। रहाणे ने किसानों की मदद के लिए दिए 5 लाख रुपए। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने सोमवार को महाराष्ट्र के किसानों के लिए 5 लाख रुपए दिए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रहाणे को ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि रहाणे जलयुक्त शिविर अभियान में किसानों को 5 लाख रुपए दान करने के लिए धन्यवाद। यह कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जलयुक्त शिविर अभियान सरकार का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे किसानों की मदद की जा रही है। केजरीवाल सरकार की एसीबी चीफ के खिलाफ चार्जशीट। केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख एम के मीणा के खिलाफ 2005 के कथित पर्दा घोटाला मामले में सीबीसी को चार्जशीट भेजी है। मीणा पर आरोप है कि 2005 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के पर्दे खरीदने में करीब 20 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। तब मीणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रमुख थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।